नमस्कार, मेरा नाम है सुनीत सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 34। ठीक है, आज जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, जो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कंडीशन ऑफ हर्मेटिसिटी और या फिर हर्मेटिसिटी ऑफ एन ऑर्बिटर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड क्या करेंगे आज हम, दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, या बोल सकते हैं हम क्या करेंगे जो हर्मिशियन एडजॉइंट होता है उसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये चीज़ आती है हमारे पेपर में। आप जेम का एग्ज़ाम ले लो या फिर आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि आपसे पूछा जाता है कि हर्मिशियन एडजॉइंट फाइंड करो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम किसी एक ऑपरेटर का हर्मिशियन एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अगर वो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है तो उसका हर्मिशियन एडजॉइंट वही होता है, खुद ही होता है। क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर आर हर्मिशियन। अगर वो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर नहीं है, कोई दूसरा ऑपरेटर है, जैसे डेल वाई डेल एक्स एक ऑपरेटर होता है, तो उसका जो मेरे पास हर्मिशियन एडजॉइंट होगा वो क्या होगा? इसका एक और नाम है हर्मिशियन कंजुगेट भी बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, तो कंजुगेट बोले या फिर एडजॉइंट बोले, दोनों एक ही बात हुई। एक दूसरी बात, मैं राम राम से बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली बात है आप रीजन जानते हो, वही पीछे वाला जो पिछले वाले वीडियो में रीजन दिया वही रीजन ये भी है। आप देख सकते हो टाइम कितना हो रहा है, देखो दिख रहा है आपको, 1:07 हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं जोर से बोल नहीं सकता, तो जो भी है थोड़ा काम चलाओ ऐसे ही। तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आवाज़ से ना। देखो पहले एक बात देख लें कि हर्मिसिटी की कंडीशन क्या थी, इसमें आते हैं। ठीक है, क्या थी हर्मिटिसिटी की कंडीशन? कुछ ऐसी थी कि कंडीशन ऑफ हर्मिटिसिटी लिख देते हैं पहले, कंडीशन ऑफ हर्मिटिसिटी क्या थी, कुछ ऐसी थी, इंटीग्रेशन, दिस इज ऑल स्पेस। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑल स्पेस, यहाँ क्या था साई स्टार, यहाँ क्या था ए साई इंटू डी क्यूब आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ भी क्या था ऑल स्पेस। ठीक है, और यहाँ क्या था मेरे पास बी, ये ऑपरेटर है तो कैप लगा दो इधर, तो बी साई इस पूरे का स्टार आ जाता, यहाँ पर साई और यहाँ पर डी क्यूब आर। ठीक है, जहाँ पर जो बी ऑपरेटर था, बी ऑपरेटर इज हर्मिशियन एडजॉइंट, हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ ए ऑपरेटर। ठीक है, जो बी ऑपरेटर था वो हर्मिशियन एडजॉइंट था किसका, ए ऑपरेटर का। ओके, इफ़ हमने ये भी पढ़ा था, इफ़ अगर मेरे पास क्या हो ए ऑपरेटर इक्वल टू बी ऑपरेटर हो देन ए इज हर्मिशियन, तब ए क्या था हर्मिशियन था। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था, हर्मिशियन TIAN। ओके, हर्मिशियन ना। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कमेंट ऑन हर्मिटिसिटी ऑफ डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, ये एक ऑपरेटर है ना, एक ऑपरेटर है डेल बाई डेल एक्स, इसकी हर्मिटिसिटी पर क्या करना है हमको, कमेंट करना है, बताना है कि हर्मिशियन है या नहीं है। अगर है तो इसका हर्मिशियन एडजॉइंट यही हो जाएगा, अगर ये हर्मिशियन नहीं है तब इसका हर्मिशियन एडजॉइंट क्या होगा, या इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ फाइंड। और क्या हो सकता है इसका दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्या हो सकता है, फाइंड हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ किसका, दिस डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, डेल वाई डेल एक्स जो ऑपरेटर है उसका हर्मिशियन एडजॉइंट क्या करना है हमको, फाइंड करना है। ओके ना, अब देखो यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो वन डायमेंशनल ऑपरेटर है, तो और जो हमने ये कंडीशन लिखी है ये थ्री डायमेंशन में लिखी है, तो उससे पहले हम इसको वन डायमेंशन में कैसे लिखेंगे वो देख लें। ठीक, तो कंडीशन ऑफ हर्मिटिसिटी इन वन डायमेंशन, अगर हम ऐसे लिखें कंडीशन ऑफ हर्मिटिसिटी, ये स्पेलिंग यार, हर्मिटिसिटी इन वन डायमेंशन, अगर हम वन डायमेंशन में कंडीशन ऑफ हर्मिटिसिटी लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास क्या इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगी साई स्टार, तो ऐसे रहा साई स्टार, ये क्या आ जाएगा मेरे पास ए साई इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा इधर पर, ये ए कैप है और ये बी कैप, ये साई का स्टार इंटू साई और ये क्या आ जाएगा डी एक्स। लिमिट बता दो फिर कहाँ से कहाँ तक होगी,
लिमिट, देखो ये क्या है, ऑल स्पेस है लिमिट। अब सिर्फ एक्स की बात करें तो एक्स का ऑल स्पेस मतलब जितना पूरी पूरी एक्स एक्सेस में, और पूरी एक्स एक्सेस क्या होती है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और जो बी है ऑब्वियसली बात है वो ए का क्या है, हर्मिशियन एडजॉइंट है। अगर इस टाइप का कैलकुलेशन करने के बाद ए इक्वल टू बी आ जाता है तो मैं बोल दूंगा जो ए है वो बी का हर्मिशियन है, ना सॉरी, जो ए ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन है। क्लियर हुई बात? नाउ नाउ अब मैं क्या गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो लेट क्या लेट कर लो यहाँ पर, लेट ए इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, डेल वाई डेल एक्स है, जो गिवन है उसको हमने ए अज्यूम कर लिया। तो नाउ इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो मतलब देखेंगे, चलो पहले देखें लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा, साई स्टार ए, चलो ए लिखो फिलहाल, तो ए इंटू साई ठीक ही आ गया, डी एक्स आ गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो दिस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये साई स्टार तो ऐसे रहा, ठीक है। साई स्टार क्या जानते हो ना आप, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई है, और इंटू इंटू ए की जगह ये पुट करो जो हमको दिया हुआ है, डेल ओवर डेल एक्स, और ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई में साई इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको सिर्फ इससे ऑपरेट करना है, किससे, जो साई यहाँ पर गिवन है सिर्फ उससे ऑपरेट होगा, और यहाँ पर कुछ और होता तो उससे ऑपरेट नहीं होता। तो ये चीज़ आई ना, अब इसे क्या करो, इंटीग्रेट करो, ठीक है। इधर इंटीग्रेट कर दूँ मैं इसको, देखो क्या चीज़ निकल के आया मेरे पास, इक्वल टू दिस इज इंटीग्रेशन, ये क्या है मेरे पास, साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मैं कैसे करके डिफ्रेंशिएट इसको, एक को फर्स्ट फंक्शन एक को सेकंड फंक्शन आईलेट से कर दे, तो इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसे सेकंड फंक्शन। अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो डिफरेंशिएशन वाला है यानी जो ये वाला पार्ट है उसको हमेशा सेकंड फंक्शन मान के चलना है, ठीक है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है, वैसे ही कैलकुलेट होगा। और अगर मैं इसको फर्स्ट इसको सेकंड इसको फर्स्ट मान लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारा सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाएगा। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ऐसा जानबूझ कर अज्यूम करना है कि इसको सेकेंड अज्यूम करना है, इसको फर्स्ट अज्यूम करना है, ठीक। देखो क्या हो जाएगा फिर, दिस इज इक्वल टू ओके द फर्स्ट, देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहता है, साई स्टार ऐसे रहा, सेकेंड फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, और सेकेंड फंक्शन क्या है, साई है, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखो लिमिट है मेरी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पहले वाला का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, यानी क्या आ जाएगा, देखो डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन क्या आ गया, साई, और ये क्या आ गया, इंटू डी एक्स आ गया। क्लियर हुई बात? नाउ अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पिछले वाले लेक्चर देखे हैं तो आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर नहीं देखे हैं तो दिक्कत होगी। देखो मैं सीधे कह रहा हूँ कि ये जो होता है ये हमेशा जीरो होता है, दिस थिंग इज जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिमिट क्या है, प्लस माइनस इन्फिनिटी है, और ये अंदर क्या है, वेव फंक्शन है, और हम जानते हैं बाउंड्री कंडीशन से, बाउंड्री कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन क्या होती है, कि वेन एवर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वेव फंक्शन टेंस टू जीरो, ठीक है, ऐसा होता है ना वेव फंक्शन, एक ये वेव फंक्शन कैसा वेव फंक्शन है, एक लोकलाइज्ड वेव फंक्शन है। तो फॉर ए लोकलाइज्ड वेव फंक्शन अगर मेरे पास ये है कुछ इस तरीके से है, ये एक्स इक्वल टू जीरो है, और जो लोकलाइज्ड वेव फंक्शन होता है कुछ ऐसा होता है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, यानी वेव पैकेट होता है, ऐसा होता है ना। देखो जब मैं एक्स टेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ, कहाँ की ओर जा रहा हूँ, दिस इज़ प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज़ एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी और एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी की ओर आ रहा हूँ, तो मेरा वेव फंक्शन क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो ये वही तो चीज़ है, वैन वेव फंक्शन टेंस सॉरी वैन एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी देन दिस थिंग विल बी जीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर तो कोई परेशानी नहीं है, कोई, चलो ठीक है, बढ़िया। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस साइन ऐसे रहा, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज साई स्टार, ये क्या आ जाएगा मेरे नीचे, डेल एक्स आ जाएगा, दिस इज साई इंटू डी एक्स, ये आ गया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में क्या था उसे भी लिखते चलो, क्या है वो देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी,
ये क्या आ जाएगा, साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स और इनटू कितना आ जाएगा डी एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा देखो माइनस का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस माइनस को अंदर ले लूँ, माइनस को अंदर ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा देखो माइनस का डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू साई इंटू कितना आ गया डी एक्स आ गया। देखो इसे कर सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू। अब देखो अंदर वाले को ध्यान से देखो, ये जो मेरे पास डेल वाई डेल एक्स माइनस का है, इसके इसको मैं यही तो लिख सकता हूँ, अगर मैं सर क्या निकालूँ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालूँ, यहाँ कोई आयोटा है नहीं है तो सब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालूंगा तो यही तो आएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यही आएगा। तो मैं इस पूरे को ऐसे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, दिस इज़ प्लस इन्फिनिटी दिस इज माइनस डेल साई बाई डेल एक्स और ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। अगर यहाँ पर आयोटा होता तब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आयोटा नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो कितना आ गया देखो साई इंटू कितना आ गया डी एक्स आ गया। अब देखो अब इस चीज़ को ये जो यहाँ पर है इस चीज़ को इससे कंपेयर कराओ, देखो यहाँ पर ए की जगह कितना है, ए की जगह कितना है डेल वाई डेल एक्स है, ए की जगह कितना है डेल वाई डेल एक्स है, और बी की जगह कितना है, बी की जगह कितना है मेरे पास माइनस का डेल वाई डेल एक्स है। अब मुझे बताओ क्या ये जो ऑपरेटर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है क्या ये हर्मिशियन है, आंसर है नहीं है। क्यों, ये बी बी कैप क्या सॉरी ये बी ऑपरेटर क्या निकला, इसका हर्मिशियन एडजॉइंट निकला या फिर हर्मिशियन कंजुगेट निकला, ठीक है। और यहाँ पर जो ए है नॉट इक्वल टू बी है, जो ए है वो नॉट इक्वल टू क्या है बी है, देखो इसका हर्मिशियन कंजुगेट इसके बराबर नहीं है, नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पर, इसका मतलब जो डेल वाई बाई डेल एक्स है वो क्या नहीं है हर्मिशियन नहीं है, वो क्या नहीं है हर्मिशियन नहीं है, ठीक है। हर्मिशियन कब होता, जब ये दोनों क्या होते इक्वल होते, यानी ए और बी दोनों सेम आते, तो ए और बी सेम नहीं आए इसका मतलब ये हर्मिशियन नहीं है। और अगर क्वेश्चन ये होता कि फाइंड, तो कमेंट ऑन हर्मिटिसिटी क्या आ गया, इट इज़ नॉट हर्मिशियन, ये क्या नहीं है हर्मिशियन नहीं है। और दूसरा क्या है, फाइंड द हर्मिशियन एडजॉइंट ऑफ डेल वाई बाई डेल एक्स, तो हर्मिशियन एडजॉइंट क्या हो जाएगा माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्वेश्चन होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका हर्मिशियन एडजॉइंट क्या होगा, नीचे चार ऑप्शन होंगे उनमें से एक ये होगा, तो आपका आंसर ये क्या होगा सही होगा। क्लियर हुई बात ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये हर्मिशियन नहीं है तो ये क्या है, हर्मिशियन नहीं है तो ये क्या है। तो अगर एक चीज़ आप गौर से देखो इसको, तो यहाँ पर ये तो पॉसिबल नहीं है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है, लेकिन एक रिलेशन हमको दिख रहा है, क्या रिलेशन दिख रहा है देखो, दिस ए ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस का बी, ये चीज़ है देखो, ये चीज़ है नेगेटिव टू एक्स स्टार रखा है यहाँ पर, तो ए किसके बराबर है माइनस बी के बराबर है, तो इस टाइप के ऑपरेटर को क्या बोल देते हैं हम, एंटी हर्मिशियन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं एंटी हर्मिशियन। तो जो डेल वाई बाई डेल एक्स ऑपरेटर होता है वो क्या होता है एंटी हर्मिशियन होता है। सो जो डेल वाई बाई डेल एक्स है ये क्या है मेरा एंटी हर्मिशियन है, ठीक है एंटी हर्मिशियन, तो ये क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके तो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में चार चीज़ें होंगी कि जो डेल वाई बाई डेल एक्स है वो हर्मिशियन है एंटी हर्मिशियन है या फिर कुछ है या फिर नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर क्या होगा वो क्या है एंटी हर्मिशियन है, ठीक है क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, किससे रिलेटेड हर्मिटिसिटी ऑफ एन ऑपरेटर से रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लें, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, मैं क्वेश्चन दूँ यहाँ पर, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अभी ऑपरेटर मेरे पास क्या है आयोटा डेल आई वाई डेल एक्स है, सॉरी आयोटा आयोटा है अभी यहाँ पर आयोटा डेल वाई बाई डेल एक्स है, तो आपको बताना है क्या यह हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है, या फिर इसका हर्मिशियन कंजुगेट क्या है या फिर हर्मिशियन एडजॉइंट क्या है, निकालो मैं तब तक इसे मिटाता हूँ।
क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कमेंट ऑन हर्मेटिसिटी ऑफ आयोटा डेल वाई बाई डेल एक्स, इस पर क्या करना है हमको, कमेंट करना है। ठीक है, करते हैं कमेंट। तो कमेंट करने के लिए पहले हमको हर्मेटिसिटी की जो कंडीशन होती है वो पता होनी चाहिए। तो वन डायमेंशन वाले लिखें, ठीक है, तो क्योंकि वन डायमेंशन की बात हो रही है इधर, तो क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या आता है, साई स्टार ए साई और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू अगेन लिमिट फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ क्या आता है बी कैप दिस इज साई का स्टार इंटू साई इंटू डी एक्स, ये चीज आता है ना। अभी हमको क्या गिवन है, ए इक्वल टू गिवन है, दिस इज गिवन गिवन टू अस, ए इज इक्वल टू आयोटा डेल वाई बाई डेल एक्स, ये चीज़ गिवन है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है इसका, लेफ्ट हैंड साइड ये है मेरे पास क्या कुछ तरीके से है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दिस इज साई स्टार ये ए कैप साई इंटू डी एक्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करो यानी इसकी वैल्यू पुट करो, इस चीज़ की वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये क्या आ गया मेरा साई स्टार आ गया, दिस इज आई डेल वाई वाई डेल एक्स इंटू साई इंटू कितना आ गया डी एक्स आ गया। ठीक, ये चीज आया ना, दिस इज इक्वल टू, तो आयोटा कॉमन है बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया फ्रॉम माइनस इन टू प्लस इन्फिनिटी दिस इज साई स्टार ये क्या आ गया डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसको फर्स्ट फंक्शन रिज्यूम करेंगे, इसको सेकेंड, अभी डिस्कस किया था ना हमने जो डिफरेंशिएशन वाला होता है उसको हम सेकेंड फंक्शन रिज्यूम करते हैं और इसको हम फर्स्ट फंक्शन रिज्यूम करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो आयोटा तो ऐसे रहा, आयोटा ऐसे रहा, ये क्या आ गया ये साई स्टार ऐसे रहेगा और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साई और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फिर माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो गया। ये पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यानी साई आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर डी एक्स आ गया, ये तो जीरो हो जाएगा। रीजन वही है कि व्हेन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी देन द वेव फंक्शन टेंस टू जीरो, ओके तो ये जीरो हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस का आई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दिस इज डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू साई इंटू डी एक्स। अभी नेगेटिव आई है, इसको अंदर ले जाओ, इधर से क्या चलता हुआ आ रहा है वो भी लिखते चलो, ये चलता हुआ आ रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या है ये दिस इज अवर साई स्टार दिस इज डेल बाई डेल एक्स इंटू साई इंटू क्या है डी एक्स है, इसको अंदर ले जाओ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दिस इज माइनस का आई डेल एस आई डिवाइडेड बाई डेल एस आई स्टार है साई स्टार है ध्यान देना और इंटू साई इंटू डी एक्स ना। अब मुझे बताओ आप क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि माइनस का आयोटा आई बाई डेल एक्स का स्टार इज इक्वल टू माइनस का आयोटा डेल वाई बाई डेल एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, कहने का मतलब क्या है ये क्या होगा अगर ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है तो मैं इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालूंगा तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालूंगा तो ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो ये अंदर है ये ऑपरेटर है ना माइनस का आई डेल बाई डेल एक्स माइनस का आई डेल बाई डेल एक्स का जो ये पुट कर सकता हूँ तो देखो क्या बन जाएगा मेरा, इसको लेके चले इधर से दिस इज माइनस का माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी कितना है ये साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ये चीज़ आया क्या आ गया देखो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ये क्या है मेरा देखो इसकी जो क्या रख सकता हूँ मैं आयोटा डेल साई बाई डेल एक्स का स्टार इंटू और डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसको इससे कंपेयर कराओ क्या है देखो एक ही जो कितना है ओ सॉरी यार गलत हो गया आयोटा कहाँ गया ए आयोटा क्योंकि आयोटा है इधर आयोटा इधर भी क्या आएगा आयोटा आएगा तो यहाँ पर जो मेरे पास ए है वो कितना है आयोटा डेल वाई बाई डेल एक्स है
और बी भी कितना निकल के आया, देखो कंपेयर कराओ इससे, वो भी कितना निकल के आया, आयोटा डेल वाई वाई डेल एक्स निकल के आया, यानी ए इक्वल टू क्या निकल के आया, बी निकल के आया। तो जो मेरे पास आयोटा डेल वाई बाई डेल एक्स है वो कैसा ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, और हर्मिशियन ऑपरेटर का हर्मिशियन कंजुगेट वो खुद ही होता है। ठीक, क्लियर हुई बात? तो ये कैसा ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, क्लियर? तो ये चीज़ है। ओके, नाउ एक स्टेटमेंट मैंने दो लेक्चर पहले पास किया था कि हाँ, उसमें ये बोला था हमने कि कोई भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कैसा होता है, हर्मिशियन होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर हर्मिशियन ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हो। क्या बोल रहा हूँ मैं कि ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर आर हर्मिशियन ऑपरेटर, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि ईच हर्मिशियन ऑपरेटर इज क्वांटम मैकेनिक सॉरी ईच हर्मिशियन ऑपरेटर इज क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल की प्राइमरी ऑपरेटर की प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, इट मस्ट बी करस्पॉन्डिंग टू एनी डायनेमिक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स्ट्रा। तो ये किसी भी डायनेमिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, कोई डायनेमिक वेरिएबल होता है ऐसा, नहीं होता है। ठीक, क्लियर हुई बात? तो ये क्या हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए किससे रिलेटेड, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए किससे रिलेटेड, हर्मिटिसिटी ऑफ एन ऑपरेटर से रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। ओके, ये आवाज़ छोटी है उसके लिए मुझे खेद है। खेद क्या है, आई होप आप तक आवाज़ पहुँच रही होगी। मैं कुछ बीच में ऐसा लग रहा था मैं क्यों ऐसे खुश 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 कर रहा हूँ, मैं ऐसे बात नहीं करता वैसे। ठीक है, मैं ज़ोर से बोलने का आदी हूँ, पर अभी मेरे को ऐसे बोलना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, अच्छी बात है, हेडफोन लगा लो मस्त करके सुनो। ओके, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नए लेक्चर में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।